नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और वक्त हो चुका है राजस्थान की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में जहां एक तरफ कोरोना जिहाद जैसी बातें सामने आ रही हैं, वहीं जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में एक अलग ही उदाहरण सामने आया है, जहां एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई। आसपास कोई हिंदू परिवार नहीं रहता था, इसलिए वहां के मुस्लिम परिवारों ने ही इस व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार भी किए। अंतिम यात्रा में शामिल मुस्लिम राम नाम सत्य भी बोलते नजर आए। अंतिम संस्कार करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि मृतक का नाम राजेंद्र है और वो कैंसर से पीड़ित थे। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। आसपास से उनके कोई परिजन आदि नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने ही सारा इंतजाम किया और उनका अंतिम संस्कार भी किया। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 9000 के पार हो गया है। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। हालांकि लॉकडाउन का आगे बढ़ना लगभग तय है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 10 बजे देश को एक बार फिर से संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस संबोधन में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बीकानेर पुलिस लाइन में जवानों की हुई स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज बीकानेर पुलिस लाइन में 110 जवानों की स्क्रीनिंग की गई। टीम में डॉक्टर घनश्याम पवार, नर्सिंग कर्मचारी जितेंद्र पवार, ANM उषा यादव, फार्मासिस्ट महिराम बिश्नोई, टीम कर्मचारी नरेंद्र शर्मा और पंकज शर्मा शामिल थे। इस टीम में पुलिस लाइन के 110 जवानों की स्क्रीनिंग की गई। NH-11 पर स्थित सच्चा सौदा डेरा के नजदीक आज सुबह दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। इस भिड़ंत में एक ट्रक चालक को चोट आई, जिसे PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कोलाया थाना अधिकारी विकास बिश्नोई से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह NH-11 स्थित सच्चा सौदा डेरा के पास दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों ट्रकों के कैबिन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में जनहानि का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक ट्रक चालक को चोटें आई हैं, जिसको PBM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे ट्रक का चालक नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र के नथुसर बास का गोपाल सोलंकी है, जिसे कोई चोट नहीं आई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों ट्रकों को हाईवे से किनारे करवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निर्णय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, पर राज्य सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन पर विचार कर रही है। जयपुर में अभी कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति नहीं है, लेकिन रामगंज में भीलवाड़ा की तरह सख्ती होगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि लॉकडाउन और वित्तीय सुधार के लिए गृह विभाग के ACS राजीव स्वरूप, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली समितियों ने रिपोर्ट दे दी है, उसे अमल में लाएंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत अलग अलग व्यवस्था बहाल। रेलवे ने लॉकडाउन के दौर में अपने यात्रियों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया में रेल सेवाएं चलने और तारीखों को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए इसी तरह की अफवाहों को वायरल करने से बचा जाए। सही समय आने पर ट्रेनें शुरू होने की तारीख का ऐलान खुद रेलवे कर देगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO ने बताया कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है, लिहाजा तारीखों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति ना पैदा की जाए। लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए रेलवे की ओर से अपने यात्रियों सहित सभी पक्षधारकों के हित में व्यवहारिक फैसले लिए जाएंगे। कोई भी फैसला होने पर इस बारे में सभी को उचित माध्यम से सूचना दी जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में भीलवाड़ा मॉडल काफी सफल रहा है। गहलोत सरकार की इस मॉडल को लेकर देश भर में तारीफ भी हो रही है। इसके चलते कई राज्य सरकारों ने भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया है, तो केंद्र सरकार भी सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर इसी तर्ज पर काबू करने की बात कर रही है। राजस्थान के कई और शहर कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं, लेकिन गहलोत सरकार दूसरे जिलों में भीलवाड़ा मॉडल को क्यों नहीं अपना पाई। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी जयपुर के रामगंज क्षेत्र में सामने आए हैं। इसके अलावा भरतपुर, टोंक और गुजरात से लगा बांसवाड़ा जिला है, जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है।